Now I'm talking about nutritional and digestive disorders. तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. इसमें पहला है प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ PEM. प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रिफर्स टू द डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम डाइट्री डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज. PEM मैनिफेस्ट एज टू डिसऑर्डर्स, क्वाशरकोर एंड मैरस्मस. तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिसऑर्डर से मतलब ये है कि इसमें प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज अगर बॉडी में डाइट में नहीं पहुंच पा रही हैं खाने के थ्रू, तो हमको ये डिसऑर्डर हो सकता है. इसमें दो आते हैं मेनली, एक तो क्वाशरकोर होता है और दूसरा मैरस्मस होता है. तो इन दोनों डिजीज़ के बारे में हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है और इसके क्या सिम्टम्स हैं. तो जो पहली डिजीज़ है प्रोटीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड, उसका नाम है क्वाशरकर. इट इज़ कॉज्ड बाय डाइट्री डेफिशिएंसीज ऑफ ओनली प्रोटीन इन चिल्ड्रन. तो प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है ये. इट्स मेन कॉज इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ लो प्रोटीन बट हाई कैलोरीज फूड. इसका जो मेन कारण है कि वो बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है इसकी बॉडी में. इसके सिम्टम्स की बात करते हैं. इट्स मेन सिम्टम्स इंक्लूड ऑडिमा, दैट इज़ वाटर रिटेंशन एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ, इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट. तो ऑडिमा जो है उसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं, ग्रोथ जो है वो बॉडी की रुक जाती है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी रुक जाता है. नेक्स्ट डिजीज इज मैरस्मस. इट अराइजेज ड्यू टू डाइट्री डेफिशिएंसीज ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज व्हेन द मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर लो प्रोटीन एंड एनर्जी फूड. तो अगर डाइट में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ना मिले तो कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से मैरस्मस डिजीज होती है. ऐसा तब होता है जब माँ के दूध की बजाय लो प्रोटीन और एनर्जी वाला फूड बच्चे को मिले. इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके थोड़े बाद के बच्चों में ये देखने को मिलती है, हु आर लेस देन अ ईयर ऑफ एज. इट्स सिम्टम इंक्लूड रिटार्डेड ग्रोथ, एक्सट्रीम इमेस्टिकेशन ऑफ द बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स, स्किन बिकम ड्राई एंड रिंकल, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइनिंग कंसिडरेबली, इम्पेयरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज. तो इसमें भी जो है ग्रोथ कम हो जाती है जैसे काशरकर में हुआ था, और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ग्रोथ की रेट बहुत कम हो जाती है, बॉडी वेट घटने लगता है, ब्रेन का सही डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर होता है. नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज़ कॉज बाई इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया और वायरस एंड ऑल्सो बाई पैरासाइट लाइक राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एक्सेट्रा. तो इंटेस्टाइन का जो पाथ है उसमें सूजन आ जाती है. ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का. ये किसी बैक्टीरिया से, वायरस से या पैरासाइट से हो सकता है, जैसे राउंड वॉर्म से हो सकता है, हुक वॉर्म से हो सकता है, पिन वॉर्म से हो सकता है. इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो है जॉइंटिस. इट इज़ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर. बाइल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड कॉज येलोइंग ऑफ आई, स्किन एक्सेट्रा. तो जॉइंटिस एक इन्फेक्शन है जिसमें सूजन आ जाती है लिवर में, और जो बाइल पिगमेंट ब्लड में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से आँखें जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, चेहरा भी पीला पड़ जाता है. तो इसमें डॉक्टर जो हैं वो शुगरी डाइट लेने की सलाह देते हैं जिससे कि जॉइंटिस को क्योर किया जा सकता है, और बेड रेस्ट भी बताया जाता है इसमें.
जैसा कि आप देख सकते हैं चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है इसका जॉइंटिस की वजह से। अब जॉइंटिस के बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसकी बात हम करते हैं, दैट इज़ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इट इज़ द इजेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाई वॉमिट सेंटर ऑफ द मेड्यूला। तो मुंह के थ्रू जब हमारे स्टमक में जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं उनको बाहर निकाला जाता है, यानी पेरिस्टिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते रहते हैं, और ये जो वॉमिट का फंक्शन है ये हमारे मेड्यूला के थ्रू कंट्रोल होता है, ये उसी का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो फोर्सफुली स्टमक का जो कंटेंट है उसको माउथ के थ्रू बाहर लाया जाता है, एनस के थ्रू नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है डायरिया। डायरिया रिफर्स टू द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज़ रिड्यूस्ड। तो इसमें डायरिया में लूज मोशंस हो जाते हैं और फीकल डिस्चार्ज जो है लिक्विड फॉर्म में होने लगता है, बॉडी का काफ़ी लिक्विड वाटर और शुगर और सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलने लगता है और फूड का एब्जॉर्प्शन बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन रिफर्स टू द डिसऑर्डर इन विच द फीकस आर रिटेन इन द रेक्टम फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एज द बोवेल मूवमेंट आर इरेगुलर। फीकल मैटर बिकम्स एक्सट्रीमली ड्राई एंड देयर इज डिफिकल्टी इन डिफिक्सेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में जो है वो लैटरिन नहीं होती है और स्टूल हार्ड हो जाता है, कई दिनों तक बॉडी से बाहर एनस के थ्रू आ नहीं पाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो ये समस्या होती है। नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इट इज़ द कंडीशन इन विच फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली एंड लीड्स टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉजेज फॉर दिस कंडीशन, लाइक inadequate improper enzyme secretion, food poisoning, overeating and anxiety and spicy food। तो ये एक ऐसी कंडीशन है इनडाइजेशन जिसमें फूड जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता और पेट भरा भरा सा लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, एक तो फूड पॉइजनिंग, बेचैनी, ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेना, ओवर ईटिंग कर लेना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, या प्रॉपर एंजाइम का सिक्रीशन ना हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल डिसऑर्डर्स एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑल्सो।